सो दैट्स द शो. थोड़ा फीलर आपको सवालों का मिला, लेकिन मेरे ख्याल थ्योरी इतनी आसानी से समझ में नहीं आती. प्रैक्टिकली खेल के देख लेते हैं. तो आप में से कौन खेलना चाहता है मेरे साथ? सबसे स्मार्ट कौन? हु वुड लाइक टू प्ले फर्स्ट? कोई नहीं यार. पारस पारस? कौन बोला पारस पारस? ये कैसा सरनेम है जो फर्स्ट नेम और सरनेम एक ही है? चलो मैं आपको सरनेम दे देता हूं. एक पारस कोठारी. पारस कोठारी एंड शांतनु भटनागर वर्सेस तन्वी त्रिवेदी. वेलकम तन्वी एंड सना. वे सना. सिर्फ आप लोगों को खेलना है एक दूसरे के अगेंस्ट, और अभी दूध का दूध और स्मार्ट का स्मार्ट हो जाएगा. आप दोनों में से कौन, दोनों टीमों में से कौन ज्यादा स्मार्ट है और कौन नहीं है यह पता चल जाएगा. जो हम आपको इस गेम के अंत में देंगे वो तो देंगे, लेकिन आपको एक बहुत ही कीमती मौका मिलेगा एक दूसरे को चढ़ाने का. सो प्लीज यूज इट टू द फुलेस्ट. बकायदा 50 सेकंड आपको दिए जाएंगे. एक जैसे भी मुंह बना के आप एक दूसरे को चढ़ा सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप दोनों टीम्स में से सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है. ऑल राइट. So, एक काम करते हैं. क्यू कार्ड से इसीलिए पढ़ना मुश्किल होता है. वन शुड बी अ ट्रायल राउंड. एग्जैक्टली व्हाट. चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक ट्रायल राउंड खेलते हैं. पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, किस महीने में लोगों को सबसे ज्यादा नींद आती है? सेकेंड्स पे आपने जवाब दिया है फरवरी, लेकिन आपने थोड़ा पहले दे दिया था. आपको क्या लगता है फरवरी है? कोई कहना चाहेगा क्यों फरवरी है, क्यों जून नहीं है? गो अहेड. द नंबर ऑफ डेज आर लेसर. लेकिन अगर कोई आदमी दोपहर में ज्यादा सोता है तो? बट लॉजिकली शी इज राइट. नंबर ऑफ डेज आर लेस इन फरवरी, विच इज वाई फरवरी वो महीना है जहां लोगों को सबसे कम नींद आती है. A huge round of applause for you, you and you. Well played, well played. लेकिन ये जो है ना, ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आभास हो जाए गेम कैसी है. अब वक्त है नेक्स्ट क्वेश्चन का. अब शो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा मैंने कहा कि प्ले अलोंग तो है ही. जो लोग आएंगे, जो परिवार आएंगे, उनकी स्मार्टनेस, उनका कॉमन सेंस, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से, यू नो, लाइफ भी ऐसी होती है कि आपके सामने जो इश्यूज आते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के अंदर जो है सॉल्यूशंस छुपे होते हैं. सो इफ यू लुक कीनली इनफ यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशंस. अब जो आपके सामने सवाल आने वाले हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो इसके अंदर छुपे हुए जो जवाब हैं वो आप आसानी से देख पाएंगे. अब तन्वी एंड सना, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, और ये रहा आपका सवाल. आपके सामने इस चित्र में कुरियर वाला किसके घर नहीं जाएगा? फाइनल कहा है. ये राउंड वन का पहला सवाल है. पारस शांतनु, देखते हैं कि ये जो जवाब सना ने दिया है वो ठीक है कि नहीं है. मिस्टर खान, एक मिनट, इससे पहले, ओके, इट इज मिस्टर खान. वेरी वेल प्लेड. लेकिन क्यों मिस्टर खान? बिकॉज द बॉक्स इज नॉट देयर. बिकॉज द बॉक्स इज नॉट देयर. मिस्टर सिंह का डब्बा है, मिस्टर गुप्ता का डब्बा है, मिस्टर पॉल का डब्बा है, और मिस्टर खान का डब्बा ये चिरकुट ने चोरी कर लिया है, या वो दे ही आया होगा. लेकिन अब तो वापस नहीं जाने वाला है, किसी भी सूरत में अभी मिस्टर खान के घर वापस नहीं जाएगा. वेरी वेल प्लेड तन्वी एंड सना. पारस एंड शांतनु, पुल अप योर सॉक्स, नहीं तो बहुत बुरी तरह चढ़ाने वाले हैं आपको तन्वी और सना. आफ्टर द गेम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, और आपका सवाल ये रहा आपके सामने, किसका भविष्य गोले में नजर आ रहा है? वक्त जा रहा है. डक का भविष्य किधर है? डक, आप पॉइंट करेंगे एक बार आके. दैट वन, व्हिच वन? ये वाला? नो, दिस वन, द अपर वन. व्हिच वन? द अपर वन. किसका भविष्य दिखाई दे रहा? अच्छा, आप लोग को बताना चाहेगा किसका भविष्य गोले के अंदर? एग,
आप क्या बोल रहे हैं सर? एग हैन. इधर आइए सर, एक मिनट मेरे पास आइए सर. आप एग बहुत बार इधर. ये आपको लगता है कि ये हैन का भविष्य इसके अंदर है? ये कौन सी टाइम ट्रेवल मशीन में आपने इस हैन को रखा कि इधर गोले में पहुंचे? एग. व्हाई डू गाइस फील इट इज द एग? मगर क्यों लगता है आपको कि एग है? बिल्कुल सही बात है यार. अंडे से चूजा निकलता है, चूजे से अंडा नहीं निकलता है. जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सर, प्लीज टेक अ सीट. बिल्कुल सही बात है. और आपने क्या सोच के डक बोला है भाई? किधर है डक? मुझे डक दिखाओ पहले. आई कुडंट सी द पिक्चर क्लियरली. आई कुडंट सी द पिक्चर. मैंने आपको टोका, मैंने बोला आपको कि आप यहाँ आके नहीं देख सकते घूर के अच्छे से पिक्चर को. बट इट्स यू विल कीप दिस इन माइंड. मगर ये सुनहरा मौका जहाँ आप इनको जीप दिखा सकते हैं, नाक चढ़ा सकते हैं, मुंह बना सकते हैं, वो बहुत जल्द आपके हाथ में आने वाला है यार. सो पारस एंड सो ऑल राइट. ओके, तो ये हुआ दूसरा सवाल. राउंड वन का दूसरा सवाल खत्म हो चुका है. अब बारी है तीसरे सवाल की, विच विल बी फॉर यू तन्वी एंड सना. आर यू गाइस रेडी? ओके, तो ये रहा राउंड वन का तीसरा सवाल. आप दोनों के साथ जीरो फाइनल. टेन सेकेंड्स पे आपने कहा जीरो फाइनल. जीरो बिकॉज 1 to 999 इट्स न्यूमेरिकल. या 100 नो, 1 to 999 इज न्यूमेरिकल. सो ए कैन नॉट कम, अल्फाबेटिक्स कैन नॉट कम. नो, न्यूमेरिकल इट कैन नॉट कम. दैट इज फाइन, बट उसके बाद चालू होता है. चलो मैं आपको ना एक काम करता हूँ. वैसे मैं शो पे तो ये नहीं कर सकता, मैं कोई किसी प्रकार की कोई लाइफ लाइन नहीं दे सकता. बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ चांस टू थिंक अबाउट व्हाट यू जस्ट सेड. नो, आई एम कॉन्फिडेंट. यू कॉन्फिडेंट? या एब्सोल्युटली. यस एंड यू आर राइट. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज सना एंड तन्वी. वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड. थाउजेंड में आपने ए ढूंढ ही लिया. लेकिन लेकिन ये तो डिजिट्स हैं तन्वी. लॉजिक ये है कि एक से लेकर शून्य से लेकर के 999 तक सब डिजिट्स हैं और कहीं भी ए नहीं आ सकता क्योंकि ए तो अल्फाबेट है. आप में से किस किस को लग रहा था कि ए जो है तीन बारी, चार बारी या पांच बारी आता है? एनी बड़ी हियर? अच्छा, वैसे भी कौन सा कोई हाथ खड़ा करने वाला है? डिजिट्स. सो दे आर डिजिट्स एंड अल्फाबेट कैन नॉट फीचर इन डिजिट्स, वो चाहे थाउजेंड हो तब भी. एनी वे, मूविंग ऑन. अब तीसरे प्रश्न की बारी है. पहले प्रश्न में तो आपने झंडे गाड़ी दिए. लेकिन अब जो बारी है ना यार, तो देखो, अगर जिंदगी भर आप नहीं चाहते कि तन्वी आपको व्हाट्सएप पे वो इमोटिकॉन भेजे जीभ निकालने वाला, या सना आपको व्हाट्सएप पे वो जो ऐसे जबान निकाल के आंख मूंदने वाला वो जो इमोटिकॉन है वो आपको भेजे पारस, तो आपको ये वाले सवाल का ना जवाब देना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद टीम्स चेंज हो जाएंगी. ऑलराइट, द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ राउंड वन. आर यू रेडी? ओके, तो ये रहा आपका सवाल आपके सामने. अगर एक तौलिया एक दीवार पर एक मिनट में टूटता है तो कितने मिनट में टूटेंगे? 11 सेकंड्स में आपने कहा है 1 मिनट. क्या लगता है इनकी इज्जत बच पाएगी? पक्का? फुल पावर? ऑल राइट, तो मैं आपको बता दूं कि 100 दीवारें हैं, 100 तौलिए हैं, एक तौलिया कितने मिनट में सूखता है? एक मिनट में. तो 100 तौलिए कितने में सूखेंगे? मुबारक हो यार, बच गए यार तुम, बच गए यार तुम, बच गए, बच गए, बच गए. खैर, राउंड वन आपने बहुत ही जबरदस्त खेला, वेरी वेल प्लेड. नाउ राउंड टू में टीम्स बदलेंगे, राइट? ओके, सो राउंड वन यू गाइज हैव प्लेड वेरी वेल. तन्वी, सना, यू गाइज आर लीडिंग, जिसका मतलब ये है कि अब भी वो चढ़ाने वाली प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं थोड़ी देर के अंदर. सो मेक फुल यूज ऑफ इट थोड़ी देर के अंदर. और क्योंकि तन्वी और सना जीत गए हैं, इसलिए हमारे पास आपको देने के लिए 50 लाख तो नहीं है. इसी को 50 लाख समझिए आप. थैंक यू फॉर प्लेइंग सबसे स्मार्ट कॉन विद मी. जोरदार तालियां हो जाए. वेरी वेल प्लेड. और आप दोनों को मिलता है मेरी मोहब्बत और मेरा आशीर्वाद. जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. वेल प्लेड, वेरी वेरी स्पोर्टिंग. ओके, तो अभी भी अगर क्लैरिटी नहीं हुई है राउंड की, तो एक काम करते हैं, एक और राउंड खेल लेते हैं, द सेकंड राउंड. और इस राउंड के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, ये जिसने भी क्यू कार्ड रखे हैं ना ऐसे, इस क्यू कार्ड से क्या बताऊं मैं? ये किसी ने जेम्स बॉन्ड वाले पेन से लिखा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा इसके ऊपर. एक सेकेंड. ऑल राइट, सो इट्स टाइम फॉर द रिमेनिंग टू टीम्स. कौन खेलना चाहेगा यार, आप लोग बताओ मुझे. है
कोई आना चाहेगा स्टेज पे खेलना चाहेगा? सबसे स्मार्ट कौन? सबको इतना डर लगता है गलत जवाब देने से. मैं बुला लेता हूं, एक काम करते हैं, किरण जैन एंड राज दीक्षित ऑन द स्टेज वर्सेस गरिमा शर्मा एंड सोना घोष. सोमा घोष. किरण, आप दोनों का नाम एक साथ भी बहुत अच्छा लगता है. मुंह बोले भाई बहन. अच्छा पहले ही, मतलब इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, पहले आप लोगों ने मुंह बोले भाई बहन वाला एंगल डाल दिया. चलो कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन. वही सेम है, मिलना आपको चॉकलेट है, वो चॉकलेट भी अनमोल है. सबको मिलनी चाहिए चॉकलेट. चलो ठीक है यार, मतलब मैं, अच्छा ठीक है, तो ये आप मुझ पर छोड़ दो, ये आप मुझ पर छोड़ दो. जो जो जीते उसे भी, जो ना जीते उसे भी, लेकिन जो जीतेगा उसको एक और मौका मिलेगा. क्या करने का? 50 लाख जीतने का. मैं अगर आप खेलने के लिए वहां पे आए ना, तो मुझे अपने चेक में से 50 लाख रुपए काट के आपको देने पड़ेंगे. खैर, राजकिरण तैयार? गरिमा एंड सोमा रेडी? ऑल राइट, तो पहला सवाल के लिए आएगा. देखते हैं कि आप राजकिरण के अगेंस्ट स्मार्ट साबित हो पाते हैं कि नहीं. देखते हैं इन दोनों में से सबसे स्मार्ट कौन है. एंड आपका पहला सवाल इज राइट हियर. एक टोकरी में 5 सेब हैं, आपने यदि उनमें से 3 लिए तो आपके पास 5. ओके, आप एक बार फिर से 2-3 सेकंड लेके जवाब देना चाहेंगे. अगर आप देते तो क्या देते? 5 ही देते. आप भी 5 देते. एक टोकरी में 5 सेब हैं, आपने यदि उनमें से 3 ले लिए तो आपके पास कितने सेब बचे? कौन कौन 3 बोल रहा है? हाँ, इनके नाम नोट कर लो, ये सबसे स्मार्ट कौन में नहीं आएंगे, 50 लाख देके जाएंगे. यू राइट, 3 ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने तो 3 ही सेब लिए हैं. टोकरी में बेशक 5 सेब है, बट यू हैव टेकन 3. वेरी वेल प्लेड पारस, तन्वी. And if anybody else also answer, very, very well played. Moving on. चलिए पहले सवाल का जवाब देने में आप चूक गए, लेकिन ये लोग आपसे यंगर हैं और इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो वैसे भी आप इनको चढ़ा सकते हैं अगर ये जीते तब भी. राजकिरण, योर टर्न, रेडी? ओके, तो ये रहा आपका सवाल आपके सामने. इनमें से कौन सा टुकड़ा लाल कागज से काटा गया है? फाइनल 4. 3 सेकंड बाकी था आपके पास और आपने 4 को टच किया है. फोर, 1, 3. 3 कौन बोल रहा है? 3. आपने 3 बोला? 3, हाँ 3 है. ओके, आपने ध्यान से तस्वीर देखी. मैंने बार बार ये कहा है कि जो जवाब है वो सवाल के भीतर ही छुपा हुआ है. सो आप लोगों ने ध्यान से देखा इस फोटो को? किस किस को लगता है कि 3 है? आपको लगता है 3 है? और किसको लगता है 3 है? आपको भी 3 लगता है. हु फील्स दैट इट इज 1? व्हाट अबाउट यू राजकिरण? आपका जवाब गलत है. 2 कौन कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करिए. 2 आप लोग, जो लोग भी 2 बोल रहे हैं ना, यू गाइज आर राइट, बिकॉज सही जवाब 2 ही है. अगर आप इसको, ये जिस तरीके से इसको रखा गया है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये यहां इसमें फिट हो जाएगा. सो वेल प्लेड. अगर आप ये मेरे साथ मेरे सेट पे खेलते सबसे स्मार्ट कौन के, तो लाखों रुपए आपके होते. सो वेल प्लेड. हाँ, तेरे को पता है ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर तू मुझे जानता है तो वहां के खेल नहीं सकता है. मैं जाके भी नहीं बुला सकता, वरना सारा हर एपिसोड का पैसा रवि दुबे रिलीफ फंड में जाता.
All right, तो आपका सवाल भी हो गया. एक बार फिर से बारी आपकी आ गई है. फिलहाल जीरो ऑल, मगर ये मौका है कि आप एक लीड ले सकते हैं और उस चॉकलेट पे अपना हक बना सकते हैं. सो आर यू रेडी? ओके, तो ये रहा आपका सवाल आपके सामने राइट हियर. ऐसी कौन सी जगह है जहां वैसे तो काफी लोग रहते हैं परीक्षा ग्रह? अब क्यों आपको कि परीक्षा ग्रह? बिकॉज़ वो अकेला होता है, वही लिखता है, जो मन में आए वही लिख लेना. ऐसी कौन सी जगह है जहां वैसे तो काफी लोग रहते हैं पर बच्चे खुद को अक्सर अकेला महसूस करते हैं? मतलब अकेला ही होता है ना लिखने के लिए, उसे कोई हेल्प तो नहीं कर सकता. उन बच्चों को मेरे स्कूल में पढ़ना चाहिए था. बड़ा आपका जवाब बिल्कुल सही है, वेरी वेल प्लेड. परीक्षा ग्रह एक ऐसी जगह है जहां पे ढेर सारे लोग रहते हैं लेकिन उसके बाद भी बच्चे कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस करते हैं. दे आर स्पेंडिंग टाइम विद देमसेल्व्स, दे आर कंटेंप्लेटिंग ऑन द आंसर्स. सो वेल प्लेड, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी वेरी वेल प्लेड. राजकिरण, अब सालों की कमाई हुई इज्जत ताक पे है, 50 लाख रुपए और चॉकलेट दोनों हाथ नहीं आने वाले. अगर आपने ये सवाल का जवाब जो है वो गलत दिया तो इस राउंड का आखिरी सवाल और इस मॉक गेम प्ले का भी आखिरी सवाल आप लोगों के सामने आने वाला है. आर यू रेडी राजकिरण? देखो यार, 50 लाख का भी मोल होता है, इज्जत अनमोल होती है, एक बार गई तो वापस नहीं आती है. ऑलराइट, देखते हैं इन दोनों टीम्स में से स्मार्ट टीम कौन सी है. एंड योर क्वेश्चन इज आपके सामने. नदी के किनारे पेड़ पर एक कबूतर बैठा है, टाइम खत्म होने के बाद, और इतना टाइम लगता है, तू तेरा बस चलता है, इसको 5 सेकंड और देता ना, ये कबूतर अंडा दे देता है इसके चक्कर में. पेड़ पर बैठ के अंडा नहीं दे सकता. ये जो ये पता है उसने वो ये अंडा कहां गया? ये अंडा यहां है. इज्जत कहां बचाई आपने? 0 सेकंड्स के बाद इनमें से कुछ नहीं. चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं आप दोनों से, और राज को तो मैंने बढ़ते देखा है अपने सामने. हाँ जी, पार्शियलिटी कर सकते हैं? नहीं, पार्शियलिटी नहीं करेंगे. मेरे ख्याल द विनर्स आर डेफिनेटली कर्मा एंड सोमा. लेकिन आप लोगों ने भी अच्छा खेला, लेकिन टाइम के बाद खेला. तो अगर आप तो वैसे तो जनरली कबूतर अंडे नहीं देता, लेकिन इस कबूतर ने 2 अंडे दिए. बट बोथ द टीम्स हैव प्लेड वेरी वेरी वेल. लेकिन वो नायाब अनमोल जो चॉकलेट्स हैं वो आपके हाथ में आने वाली हैं, और उम्मीद है कि आपके परिवार में से कोई दूर दराज का रिश्तेदार कोई हमारे शो पे आए और लाखों रुपए लेकर के भी जाए. एंड द सेम गोज फॉर यू, एंड द सेम गोज फॉर एवरीबडी हु इज देयर इन दिस हॉल. सो कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच राज. क्या थैंक यू बे, हां तू तो हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दिया. हाक थू. मैं राज को, मैं आई थिंक आई बीन सीइंग राज फॉर द लास्ट, कितने साल हो गए राज? 10-12 साल हो गए. रणबीर रानो के टाइम से आ रहा है तू, कुछ तो शर्म करे यार. वेल प्लेड राज, राज एंड किरण, वेल प्लेड. सो या दैट्स व्हाट द गेम इज. अब गेम का एक ब्रॉड फीलर आपको मिल गया. हालांकि हम लोग यहाँ पे आप लोगों के सामने खेल रहे हैं ये गेम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस, जस्ट टेक दिस प्लीज, सॉरी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस गेम के. थैंक यू सो मच. सो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस गेम के जो आप यहाँ नहीं देख पाए हैं. देर इज़ इट्स अ विजुअल स्पेक्टिकल, जो आपने शायद इस फुटेज में भी देखा होगा. एक ऐसी चीज़ है हमारे सेट पे जो विजुअली बहुत अपीलिंग है, जो आज तक आपने किसी और रियलिटी शो पर नहीं देखी होगी. वी आर यूजिंग दीज थिंग्स कॉल्ड काइनेटिक लाइट्स. दे आर ब्यूटिफुल और वो बहुत ही सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं, तो विजुअली एक एस्थेटिक सेंस जो है स्टेज पर आता है. उसके अलावा जिस तरीके से आपने देखा कि विद एवरी पासिंग क्वेश्चन आपकी स्मार्टनेस का ये टेस्ट बढ़ता चला जाएगा, और स्टेक पे जितना अमाउंट है वो भी बढ़ता चला जाएगा. सो दिस वॉज अ फन वे टू टेल यू ऑल कि ये गेम प्ले कैसा है. लेकिन ये गेम जितना मज़ेदार है, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें स्टेक पे हैं, उतने ही लोग जो
स्टेज पर आते हैं, सबसे स्मार्ट कौन खेलते हैं हमारे साथ, मैंने कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी शूट कर लिए हैं, और जिंदगी बदलने की ताकत रखता है ये शो। स्टार प्लस पे आने वाला है 4 जून से 6:30 बजे सोमवार से शुक्रवार। सो इफ देर आर एनी क्वेश्चंस नाउ यू कैन गो हेड। जी कौन लेके आया मशीन गन अपने साथ में? थैंक यू वेरी मच। सो या हां जी, हां जी रवि, आप इतने अच्छे एंकर हैं, आपने बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम किए, पर इस तरह का प्रोग्राम करने में आपने इतनी देर क्यों लगाई? मिला नहीं। नो बट द दिस थिंग इज दैट आई थिंक एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट लेवल जब तक नहीं होता है किसी भी प्रोजेक्ट को, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट हाँ कहना भी ठीक नहीं होता। तो आई थिंक इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने उसमें एक आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन अबाउट लेस ऑफ पुटिंग माई ब्रेन इन टू इट एंड मोर ऑफ वॉट आई एम फीलिंग हियर, एंड आई फेल्ट रियली गुड हियर। और वो जो जो मेरी फीलिंग थी वो ट्रांसलेट भी कहीं ना कहीं स्टेज पर हो रही है, जब मैं देखता हूँ कि एक परिवार जो है जो जिसकी एक आर्थिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, जब वो यहाँ से लाखों रुपए लेकर के जाता है और किस तरीके से उसका जीवन चेंज होता है, द जॉय ऑन देयर फेसेस, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ वाइल। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम यू नो दैट स्टार प्लस, ऑप्टिमिस्टिक्स, विपुल जी, गौरव, ऑल ऑफ दीज पीपल, दे हैव हैड सो मच फेथ इन मी। हाँ जी सर। जी हाँ जी। हाँ, जो प्राइम टाइम जो होता है जी 9 बजे से 11 बजे तक जनरली लोग ज़्यादा प्रेफर करते, देखते भी है जी, तो आपने ये टाइम कुछ सोच के वाला दिया है वाई? ये जो टाइमिंग होता है वो तो खैर चैनल के हाथ में रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है दैट लोग इंगेजिंग कंटेंट देखते हैं और वो इंगेजिंग कंटेंट वो उस स्लॉट पे हिंज नहीं करता जिस स्लॉट पे शो आता है। और मुझे लगता है कि जो जब लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली बात होती है तो वो वक्त निकाल के कभी भी आते हैं और कभी भी देखते हैं, तो मेरी उम्मीद ये है कि वो ज़रूर सबसे स्मार्ट कौन देखेंगे। सर ये बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जी, और इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं जी, सर क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे? उद्देश्य ये है देखिए कि अब तक जो गेम शोज आपने देखे होंगे, जो बहुत बड़ी तादाद में आपने कई कई दफ़ा देखे होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि दैट एक सर्टन लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट करंट अफेयर्स, सर्टन लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक सर्टन परसेप्शन आपको बनाना पड़ता है सवाल के आजू बाजू, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। अव्वल तो हम लोग एक और धारणा है ऐसा लोगों के बीच में माना जाता है कि एक कंपनी का जो CEO है वो हमेशा उस कंपनी के एक PN से या फिर सिक्योरिटी गार्ड से ज़्यादा स्मार्ट होगा, यू नो दैट्स अ थॉट, दैट्स अ पॉपुलर कल्चर बिलीफ, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये हर रोज़ आप स्टेज पर देखेंगे, हर रोज़ आपको कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका वोकेशन, जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी है जहाँ आप एक धारणा शायद उसके बारे में बना करके रखेंगे कि स्मार्टनेस में इसका हाथ तंग होगा, लेकिन हमेशा वो आपको गलत साबित करेगा और वो ऐसे सवालों के जवाब देगा जो शायद उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ कोई ऐसा इंसान जिनसे उम्मीद ज़्यादा होगी वो नहीं दे पाएंगे। सो दैट पीपल आर गोइंग टू रियली सरप्राइज यू कि स्मार्टनेस इज़ वो बहुत डेमोक्रेटिक है इन नेचर, उसका एज से, किस प्रांत से आप हैं या फिर क्या काम करते हैं आप, कितना कमाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। सो इट्स आई थिंक इट्स प्रेवलेंट एवरीवेयर। इट्स नॉट, हाँ जी सर, जैसे क्वेश्चन का टाइमिंग जो है आपने कितना 10 सेकंड रखा है? नहीं जी, वो आप थोड़ा सा रुक जाइए, वो 4 जून से आ ही रहा है। अच्छा, सारे क्वेश्चन के टाइमिंग मेरा क्या मतलब है कि इसमें जैसे KBC में आता है ना जो लाइफ टाइम अलग से अलग अलग देते हैं दो ऑप्शन, मतलब हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे उस आपका कुछ आपने एक फीलर लिया ही क्वेश्चंस का जिसमें कि ऑप्शंस थे, सो ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, तो वो थोड़े दिन में पता चली जाएगा। एक क्वेश्चन, हाँ जी सर, सर 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 सबसे स्मार्ट कौन में खास क्या है, सबसे ज्यादा खास क्या है सर? खास सबसे स्मार्ट कौन में, देखिए जो फैमिलीज आती हैं ना इस शो में वो इस शो की असली हीरोज़ हैं, बाकी सब अपनी जगह, मतलब ये जो कुछ भी किया गया है चाहे वो मेरा वहाँ पे होना हो या फिर जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो और थोड़ी एक गार्निशिंग करती हैं शो की, या फिर जिस तरीके के सवाल है, एंड ऑफ द डे इट इज़ सेलिब्रेटिंग कॉमन पीपल जो इस शो पर आएंगे, लाखों जीत सकते हैं हर एपिसोड में,
और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में लेकर के जा सकते हैं। आपकी मुझसे एक लाइन की बात हो, ये प्रोग्राम क्या उन लोगों के लिए है जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हैं? ऐसा जरूरी नहीं है सर, ऐसा जरूरी नहीं कि वो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन अगर बैठे हैं तो अपना जीवन बदल सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं भी बैठे, मान लीजिए एक आदमी जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो उसकी सोच ये होगी कि किस तरीके से वो अपने सर्वाइवल के लिए वो लाखों रुपए जो है अपने जीवन में उसका एक 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 योगदान रहेगा उस बड़े अमाउंट का उसके जीवन में। लेकिन जो समाज की अंतिम पंक्ति में नहीं है, जो आगे है, वो ये सोच सकता है कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को कैसे बेहतर करे उस अमाउंट के साथ, यू नो। सो हर हालत में उस अमाउंट का उस रुपए में एक वजन है, मतलब उस अमाउंट में एक वजन है, वो चाहे वो अपने लिए इस्तेमाल करे, अपने आसपास के जो लोग हैं जिनके जीवन को वो बेहतर कर सकता है उनके लिए इस्तेमाल करे। हाय मैम, हाउ आर यू? कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा, माफ कीजिएगा थोड़ी लेट आई हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी लेट ही आया हूँ मैम। अमूमन अपने यहाँ जो टीवी शोज होते हैं, किसी न किसी विदेशी चैनल्स के शो की कॉपी होती है जी। क्या ये भी किसी शो का अनुकरण है, और इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए क्या किया जाए? पार्टिसिपेट होने के लिए देखिए, जिस अव्वल तो ये नहीं, किसी शो का अनुकरण नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा दैट इट इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग स्मार्टनेस, जो अब तक आपने, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना मैंने भी एज अ कंज्यूमर टेलीविजन इंडस्ट्री को देखा है, अब तक आपने कोई ऐसा शो नहीं देखा होगा जहाँ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और जहाँ चाहे सवाल लाखों का है लेकिन जवाब भी आपके सामने है। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, सो इन दैट सेंस इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इट्स नॉट हैपेंड बिफोर। दूसरी बात, आपका मतलब इट्स नॉट अ टैलेंट बेस्ड शो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा गाना गाना आना चाहिए या अच्छा आप किसी प्रांत से कहीं से आप होने चाहिए। सो आई थिंक स्टार प्लस ऑप्टिमिस्टिक्स हैज़ पुट टुगेदर अ वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ फैमिलीज, कि वो कौन है जो यहाँ पे आए, वो कौन है जिनके जीवन में ये रुपए जो हैं वो मायने रखते हैं, वो कौन है जो इस अमाउंट के साथ ही नहीं बल्कि स्टेज के साथ कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके इस तरीके के परिवारों को लेकर के आया गया है। Hi ma'am, how are you? Very well, thank you. What I can understand, like whatever we saw, it's more about being alert. Right. And common sense. Right. Not to do with education and no, stuff. No, not at all. So what would there be lifelines as well? That's a part of the gameplay. So I would encourage you to see it on the 4th of June. And so that unfortunately I'm not at liberty to share with you the dynamics of the game. What I can share with you that the opportunity is huge. The opportunity is huge because at all times, no matter what is at stake, the answer is right in front of you. It's all about opening your eyes. So it's kind of a miniature model of life itself, you know, in the sense that, you know, you sometimes we are looking at life with blinders on, and we don't understand that, you know, there is, it's right here, and we can use this as a pedestal for growth. So it's quite like that, like, you know, the problem hai, lekin problem mein chupa hua solution aapke samne, aap dhoond sakte to dhoond lijiye. Is there anything else, ma'am, from you? पार्टिसिपेट मैंने वही बताया अभी कि स्टार प्लस ऑप्टिमिस्टिक्स ने मिलकर के एक बहुत ही एक अच्छा तरीका जो है निकाला गया है कि लोगों से वो उस अमाउंट से किन जिंदगियों को फर्क पड़ता है, किस तरीके से वो वहाँ आकर के वैल्यू एडिशन करते हैं, तो वो सब बातों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए एक पूरा जो है हिसाब किताब बनाया गया। रवि, हाय हाय, हाउ आर यू? गुड गुड। अच्छा रवि, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो सवाल है ये वाकई मतलब आपके स्मार्ट होने की बहुत जरूरत है जब आपको आंसर देना है जी। इट्स नॉट डिफिकल्ट, नो, बट इट्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड। तो जब ये क्वेश्चंस आप पूछते हैं तो कई बार आपको खुद रियलाइज होता है, ओ शिट, ये तो मुझे भी नहीं पता था। होता है जी। कितनी बार हुआ है? हुआ है, दो तीन बार हुआ है। अब क्यों मैं सरेआम क्यों मैं इंडिया के सामने अपनी बेइज्जती कर रहा हूं यार? सारे सवालों के जवाब तो मेरे पास भी नहीं हो सकते ना, लेकिन मैं नहीं बताता किसी को कि मेरे को पता नहीं था। ये आप देखो जी, आप लाखों रुपए जीत रहे हो, आप जीत रहे हो, अब आपको पता होना चाहिए था। नहीं पता तो मैं तो चुप रहता हूँ ना, कोने में खड़ा हो जाता हूँ कि मेरे को भी पता नहीं था, ये बताने की क्या जरूरत। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं, देर आर मेनी टाइम्स दैट दीज क्वेश्चन आर कॉम्प्लिकेटेड एंड दे ऑब्वियसली जज योर स्मार्टनेस। आई कैन प्राउडली से दैट मतलब व्हेनेवर आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गेम प्ले, व्हेन इट्स हैपनिंग, जैसे सब लोगों के दिमाग चल रहे थे यहाँ पे, हालांकि दो टीम्स खेल रही थी, लेकिन एवरीबडी वॉज ऑन इट, यू नो, एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू थिंक इसका जवाब क्या हो सकता है। तो ये गेम ही ऐसा है, मैं भी वहाँ पे खड़ा होकर कई बार उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, कई बार ओवर एनालाइज कर जाता हूँ। कई सवाल ऐसे भी होते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि इसमें जरूर कोई लेड जवाब आकर के निकलेगा, लेकिन द ऑब्वियस इज द आंसर। सो दैट्स व्हाट इट्स यू नो, द गेम विल ऑलवेज ट्रिक यू इनटू
sometimes look at the obvious and sometimes look at what is not obvious. So yeah, so even, and the questions are such that even I don't know them. Before going on stage, mujhe khud nahi pata hota. They come as a surprise to me because obviously there is a lot at stake with the questions also. So that liberty can't be taken with anybody, including me. You also said ki audience can play along. What is that and how? हाँ तो हॉटस्टार ऐप पर पूरा इंडिया खेल सकता है एंड साइमल्टेनियसली वाइल द एपिसोड इज गोइंग ऑन जो सवाल जो है कंटेस्टेंट्स की स्क्रीन्स पर होंगे वही सवाल उनके स्मार्टफोन पर होंगे हॉटस्टार ऐप पर तो इफ अगर लाखों वो कमा रहे हैं तो आप भी लाखों कमा सकते हैं खेलते खेलते ओके रवि कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड यू तो जैसे आपने कहा कि काफी बार आपको भी नहीं पता होता है तो ये सारी चीजें जाके आप सरगुन पे ट्राई करते हैं ये सारी चीजें जाके सरगुन पे मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो आपको भी नहीं पता होते वो मुझे उन सारी चीजों से बहुत डर लगता है जो सरगुन मुझ पे ट्राई करती है तो मैं ऐसे पंगे नहीं लेता अपनी बीवी के साथ ओके थैंक यू श्योर एनीथिंग एल्स मैम सर्स Yeah, all right, so we'll break in a moment.